आज प्यारे बहन भी खाना जो है ना तैयार हो के हमारे आगे आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आज पूरा दिन अम्मी जान को नहीं देखा तो काफी जो है ना दिल भी परेशान था, पता चल रहा था कि घर में कोई भी नहीं। शाबाश अन्ना, हमने हाथ मुंह धो लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मी जान वापस आ गई है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खरिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से आप सब बहन भाइयों से आपका भेजलता आप बिल्कुल ठीक ठाक है। तो माशाल्लाह शाम हो चुकी है, जैसे डेली की शाम होती है तो हमारी शाम की रूटीन भी शुरू हो चुकी है। इधर जी आटा गूंदा जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जहाँ भी रहा खुश रहा आबाद रहा, हमें दो में याद रखे, इस तरह मुस्कुराते रहा, फूलों की तरह। आमीन सुम्मा आमीन। शाम हो चुकी है जैसे कि पहले भी होती है, आज तो नहीं। वो तो डेली की होती है, आज तो नहीं हो रही। रूटीन हमारी शुरू हो चुकी है। अगर किसी बहन बहन को पसंद आए वीडियो तो देखे, नहीं है पसंद तो मोबाइल को चला के साइड में रख दे। हाँ जी, अगर देखना पसंद ना आए तो चलने दे, चलने दे, वाचिंग दे, हाँ, वाचिंग दे। तो जो न्यू है हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट। तो आटा मैं गूंद रही हूँ, सब्जी जो है ना मेरी आ चुकी है, मैंने धुलाई करके उधर रखी। कौन सी? वाह जी वाह, आज बैंगन, फिर से बैंगन जी। आलू जी। अबू जान तुम्हारी की है तबीयत? ठीक है। चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला सियात तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी ताखर में हमारी दुआ है। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, वीडियो के साथ रहना है, सकिप बिल्कुल नहीं करना, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। तो चलें अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आलू क्यों नहीं लिए जी? आलू, आलू ठीक नहीं थे। आलू क्या था? आलू को मीठे थे। मीठे थे जी। वो मैंने पूछा था माविया से कि आलू जो है ना साथ देना, तो उन्होंने कहा कि चाची आज आलू मीठे हैं। अच्छा, खाने तो मैं दे दूँ? मैंने कहा नहीं, मीठे हैं तो फिर ना दें। नहीं फिर कोई फायदा नहीं है। अकेले आज जो है ना बैंगन बना रहे हैं और प्याज भी काफी सारे इधर पड़े हैं, आटा गूंदा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। मैं आटा गूंद रही हूँ, आप जो ना खुबैब और हबीब को बाहर कहना कोई कचरा वगैरह ले आए, थोड़े वो जो ना वो गुए कहते हैं। अच्छा, वो पड़े हैं, उनसे जो ना रोटी भी बना लेंगे और सारा भी बना। कहाँ है हबीब? पता नहीं किधर है, बाहर गया हुआ है, पता नहीं किधर है, मैं देखता हूँ। कबे रोटी भी ले गए हैं, ये देखें जी। आज सारा दिन बादल रहे, थोड़े थोड़े कभी चले जाते थे सूरज के आगे से, कभी आ जाते थे, और अभी भी बादल है आसमान के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। अगर वो ना खड़े हैं तो आज चुनिया वो, ये चुने से तो पता लगे जल्दी बाहर गिन दो। चलो से अगे कौन गिनदा हों, अगे तू गिनदी होनी। गिनदे तो होंदे बंदा टाइम नाल गिनने, तो आज मैं त्रीजी दीवार आ दिखणी बाहर कहनी तेरे सामने वाला महंगाई दे हालात, लकड़ियां इतनी महंगी हो चुकी हैं सोच से भी ज्यादा। 1000 रुपए का मन मिल रहा है, अगर थोड़ी सी गीली हो सिन्नी हो तो वो मिलता है 800 रुपए का मन। गैस अगर खुश्क लकड़ियां हो तो वो 1000 का मन मिल रहा है। गैस भी महंगा हो चुका है, क्या करे बंदा बेचारा, क्या करे बंदा, से दवाई मारन घेना है या कुछ ना करे। गिनदे है यार, गिनदे है। ओ खुबैब को आखत है थोड़ा कचरा गोला या तला सड़ के तला बुए सड़ में वाला कुछ खा पा। चलो ठीक है, बस मैं आटा माल के बस हर चीज नहीं देती है तनूर पे। ठीक है सही, ठीक है। यहां से उठाते हैं जी शापर वगैरह आग जलाने के लिए, क्योंकि ये काम मुझे बताती रहती है कि आपने काम करने हैं। ये बोतल भी उठा लेते हैं, इससे जो है ना आग जल्दी जल जाएगी। हाँ जी, ये काफी हो जाएगा, ये कम है जी। ये वो कचरा ले आए थोड़ा वो शापर वैसे अपने पोषण गु है तो मैं नहीं बल्दे जल्दी। अच्छा जी, और भी ले आता हूँ जी, अभी भी कम है, ये देखें जी। इस तरह जी काटे जाते हैं बैंगन जी, इस तरह काटे जाते हैं। इसकी मैंने छिलाई नहीं उतारी, छिलड़ी क्यों छिलका होने यार, छिलका छिलका क्यों नहीं उतारा? मैं तो नहीं चलने लगी, छिलकी लगती है। चलो जी तेरी मर्जी, अच्छा मैं बात गंद मंद भी है गोलियां गोलियां तो सबको मैं पुसे दिया वो मैच खेलन गए। हां सही, हां जी।
इस साइड पे काफी सारे छापर पड़े हैं, यहाँ से छापर उठाता हूँ। ये कौन है? अन्ना मामू है। क्या खा रही है मामू? क्या खादी वी शाय कितना मेहंदी पाई है? गंदे बच्चे। शुक्र है जी, छापर मुझे काफी सारे इस साइड पे मिल गए। ये देखें जी, आप जी काफ़ी सारे छापर मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और इसमें जो है ना लकड़ी वगैरह भी हैं छोटी मोटी। अब अगर ये कहती है कम है तो बस ये फिर मुझे परेशान कर रही है कि लकड़ी और ले आए। हाँ जी, हूँ देखा हूँ रे थी वैसे। हाँ, हूँ तो गुजारा थी वैसे। गुजारा थी वैसे वाली, बस वही बात है जो मैंने कही है आप सब बहन भाइयों को। ये देखें जी, इतनी सारा मैं ये ले आया छापर वगैरह गंद गोदाम, फिर भी अभी कहती है गुजारा है। मेरा काम करने में हुक पता हूं वैसे ही। अच्छा ना, ई कचरा तो तुम को बाल के दिखा। बाल के दिखावा? हां चलो, पल्ले नहीं मारने ना। चलो मैं बाल के दिखाना, पापी वगैरह सट के ना वो है, मैं बाल के दिखाना। देखो चलो ठीक है, बाल के दिखा दो। प्याज भी कटाई हो चुके हैं जी, अब टमाटर कटाई हो रहे हैं, कड़वे हैं, रुला दिया जी। अच्छा जी, आंखें बंद करके काटो। हाथ काट गया। अंदाजा तो हो जाता है औरतों को, आंखें बंद करके भी काट लेती हैं। हाँ, फिर आप कटिंग तो पन जी में कटी ने पन कटने धोता भी टमाटर को। हाँ जी, हाँ जी, पानी नजर आ रहा है। ये देखें जी, नीचे भी पानी है। चलें जी, सही हो गया, ये कट जाए, मैं नमाज अदा कर लूं असर की। ठीक है, फिर मिलते हैं। बस टेने पिया तनूर ते चाहिए ना आप चीज। मेरे को नमाज तो पढ़न दे। हां, सूरज अजान है, तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं। तो मैं अपना काम ने शुरू कर देती हूं। ओ यार देखें, इतना सारा मैं ये ले आया कचरा वगैरह जी जी, फिर भी ये कह रही थी आग नहीं जलेगी, ये कम है गुजारा है। अगर उन्हें तो हम पतले लकड़े हैं जी, सुनते हैं ये पतले लकड़ी है ना। हाँ, इन्हें तो थोड़ा या कचरा सड़े जल्दी जलेगी वैसे, तो जड़ी ये पक्की लकड़ी उन्हें तो टाइम लग दे, या जड़ा गुआ है उन्हें तो टाइम लग दे। अच्छा, काम तो नहीं कर रहे था पता। हाँ, तू करें नहीं काम सारे, मैं को दसे नहीं है जेड़ा काम करना होंदे, ए कीतिया ते ओ कीतिया। आ गई था बाय वेंदी है, ये चीज उठा दे, ये चीज उठा ले, मुझे दे दे, ये चीज मुझे दे दे। बंदे होंदे नहीं टाइम और क्या को मैं आता। इधर भी मुझे बताती रहती है, जो चीज भी उठानी हो ये चीज उठा दो, ये चीज उठा दो, ये काम कर दो। अच्छा, मैं नमाज पढ़ गई ना, कहाँ है चाह बेसन है टमाटर पता है तो इसीलिए तो कमजोर होती जा रही हो, पट्ठों की कमजोरी होती है पता है आपको। हाँ, अगर जूता ना पहने तो कमजोरी होती है। ऐसा ऐसा डालो, ऐसा ऐसा, वो हर चीज नीचे दब रही है। ये देखेंगे फिर कैसे जलेगी। अब ये बोले कि माचिस ले आओ। चलो शुक्र है कैमरा ऑन था, ऐसे ये वैसे कैमरे में भी बताती रहती है, लेकिन ये बात की तो इसीलिए खुद चलेगी, वरना कहती कि माचिस नहीं है, माचिस ले आओ। चलो चावा चावा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तिली जल चुकी है जी, आप देखते हैं कि कैसे आग जलती है। हाँ, देख रहा हूँ ये आग जी, चुल इसको भी डाल दो अंदर। हाँ जी, आप क्या करना है,
इसको ले अभी चढ़ाया है जी। यार इसको साइड पर रखो, ये पिघल ना जाए, प्लास्टिक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आगे जी प्याज टमाटर इकट्ठे और बैंगन को धो लिया है जी, इसके अंदर पानी भी है, पहले भी धोया था, अभी पानी है। चलें जी, अब जा रहे हैं जी बैंगन। ये जो हमारा तरीका है जिस तरह हम बनाते हैं ना सालन जी, वही तरीका फिर से रिपीट हो रहा है। ये हमारे देहातों का तरीका है। हाँ जी, सराय की ये आसान सा तरीका है। इस तरीके से जो है ना सालन जल्दी बन जाता है, जल्दी बन जाता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा भी होता है। हाँ जी, बड़ा टेस्टी बनता है जी, शौक से हम इसे खाते हैं। हाँ जी, आग भी जल गई है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। चलें मसाले वगैरह डालते हैं आप इसके अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आगे जी हल्दी, और ये आगे जी लाल मिर्च, हाँ जी सब्ज मिर्च, और तीसरे नंबर पे आ गया जी नमक, और चौथे नंबर पे फिर भी नमक, और पांचवे नंबर पे आ गया जी घी, पानी। हाँ जी, एक काम बताऊंगी तो फिर आप कहेंगे फिर काम बता रही है मुझे। हाँ, नहीं बताती मैं खुद करूँ। ये आ गया जी घी, एक ढक्का लेना है वही। कौन सा ढक्कन है इसका? यही ढक्कन है जी, जी यही ढक्कन, यही है ना जी। ये लो जी, अगर बाल खड़े हैं तो मैंने को टेंशन नहीं थी, थोड़ा जे फिर इंतजार कर पानी भरी है। अब मैं इसे पकड़ के इस तरह खड़ा रहूं। अच्छा यार, तेरी मर्जी जी, मैं कर रहे तेको क्या आख संगदे हैं। हां सही, ए बस मैं लिखो, मैं लिखो। ये आ गया जी थोड़ा सा पानी, और ये आ गया जी ढक्कन बंद, और ये आ गई जी देख जी तंदूर के ऊपर, बस इसका यही काम है। हाँ, मेरा काम खत्म है, ये सब कुछ इकट्ठा कर लूँ तब तक ये सारा नहीं बन जाएगा, तो वो भी गर्म हो जाएगा फिर रोटी बनाऊँ। हाँ जी, चलें जी, ये सारी चीजें क्लोज कर लो, अंदर रख दो। सब्ज मिर्चें तो नहीं डाली? ये सोच रही हूँ सुबह जो है ना रायता भी बनता है यार, डाले मुझसे सालन नहीं खाया जाएगा। हाँ थोड़ी डाल दें, कम डाल दें, कुछ रहने दें रहते के लिए। आप नहीं खाने वाले, हम भी खाएंगे। अच्छा ठीक है, सारी डाल दो, सारी डाल दें। हाँ बचा तो खुद रही थी, मैंने तो नहीं कहा, अगर ना डालती तो। ये आगे जी साबुत मिर्च, और फिर से हो गया ढक्कन बंद, और अब इसका वेट करते हैं, तंदूर भी गर्म हो जाएगा, मैं नमाज अदा कर लूँ, और आप ये क्लोजिंग कर लो, सारा सामान वगैरह अंदर रख दो, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, नमाज में अदा कर ली, और सालन अभी भी चढ़ा हुआ है तंदूर के ऊपर, देखते हैं कि कितनी देर है। थोड़ी सी। हाँ जी, थोड़ी सी देर है। हाँ जी, सालन तैयार है। ये देखें जी, बस यही टाइम लगता है इसके बनने में। ये देखें जी, और आग जल गई थी ना जी, कुछ हुआ था? नहीं कुछ नहीं, आग जल गई थी। हाँ तो ऐसे कह रही थी, ये काम है सवेरे के ते कजरे वगैरह गोल के रहते नु ये चीज गट्टू पाख न हुआ। अच्छा वो अम्मी कहां यार, मैं मुंह जी हो दिए अम्मी कीड़े वाले दी सी कहनी सवेर नाल मैं को फुड़ा लता। अच्छा मतलब दे हो शायद वापसी थी भी उसने तो बड़े गा ले थे। अच्छा अच्छा मैं पता करना। हां तो अगर पता करने का तकी थी से यो करो जाई हबीब या कुबैब को कचरा चुनिया में गट्टू पाख रहा जे तो गुए खनन था। हाँ जी, खेला है मैच जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप भी ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, जा रहे हैं खुशबाद है हफ्ते मात्रा कोलकाता। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो सही से सलाम किया हबीबुल्लाह ने। मुबारक हो। अच्छा आ जाओ इधर, वो कचरा वगैरह चलो। खुबैब कहाँ है, है? बारो खड़े, ये शापर वगैरह कचरा इधर भी पड़ा है, उस साइड पे भी पड़ा है, ये चुन के उधर रख दो गट्टू में बोरे के अंदर, फिर आग जलाएंगे। हाँ औरते औरते कैज दा सक्का या कोई काम है, ये कचरा वगैरह चुन करें शापर, और चार जिलो रखो। शाबाश, चलो शाबाश शाबाश। अच्छा भाई देख सकते हैं, 5 विकेट। हां ना लिखा मतन काफी रेट आ बंजे तुर दे फिर दे मैच लिखी दा वदे से। बड़े शौकीन में तो सब मैच दे हैं। आ मैं खेलूं, खड़ी चार बत्री यार का कार के देती।
363 कितना बार थे गेंद? आखिरी दो बॉल पे था। अच्छा आउट? आउट नौ। चंगा भला टारगेट 363 था। मैं देखता हूँ जी अम्मी जान को, क्योंकि सुबह हम निकले थे और जब वापस आए तो अम्मी जान नहीं थी। आज पूरा दिन अम्मी जान को नहीं देखा, तो काफ़ी जो है दिल भी परेशान था। पता चल रहा था कि घर में कोई भी नहीं है, तो चल के देखता हूँ इस घर में, पुराने घर में शायद आई हुई हो। अन्ना मु मामू वदे कितने दी पे मामू? पप्पा दे घर। नानी अम्मी यही बदी था? नानी अम्मी कह नहीं। अच्छा मामू जो लो हाथ में धुआ वाला रोटी खाओ, शाबाश, मीठे मीठे मामू है ना। अम्मी जान अभी तक वापस नहीं आई, वो गई थी मेरी बड़ी सिस्टरों के घर, अभी तक जो है ना वहीं पे है। अल्लाह करे कि जल्दी आ जाए, वरना मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा उन्हें लेने के लिए। क्या मामू हैं? क्या मामू शाही हूँ रोटी का टाइम है मामू, जो लात मुँह दो रोटी पकती पिए रोटी खाऊं, ठीक है? अरे पीछे शायद खा के ठीक है। कहती है मुझे चीज ही ले दो, चीज ही दुकान से। तो अब रोटी का टाइम है, रोटी खाएंगे, बाद में जो है ना इनको चीज ही खिलाएंगे। अगर ये पहले चीज ही खाती रहे ना तो फिर खाना नहीं खाते बच्चे, रोटी जो है ना छूट जाती है इनसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये शीशे में नजर आ रही थी मैं समझा नकाब उतरा हुआ है। सालम तैयार हो चुका है जी? सालम तैयार है तो बस। माशाल्लाह जी, पहली रोटी तंदूर में चली गई है ना? सही, पहले कहनी। हां दूजी रोटी, दूजी रोटी है जी। भाई की दो है, दूसरी इधर है। हां जी सालम तो दिखाओ कैसा बना हुआ है। माशाल्लाह लेकिन अभी तक वहाँ पे नहीं है, तकरीबन वहीं पे है पहाड़ वाले पे तकरीबन। हाँ ये गर्म के देने। अच्छा जी। अच्छा किया, वैसे जाया नहीं करना चाहिए, ये रिस्क है। सारे काम तो मुझे करने पड़ते हैं, सिर्फ ये घर के काम वगैरह करती है, रोटी लगाती है, सालन पकाती है और वीडियो बनवाती है, वीडियो में बात करती है, बस ये काम होता है इसका। हाँ तो यार थोड़ा बहुत सीख लो, सारे काम मुझे अकेले को करने पड़ते हैं, सीरियसली काफ़ी परेशानी होती है अकेले बंदे को। दो चैनल हैं और वो जो हमारा दूसरा चैनल है ना उस पर हमारी कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, क्योंकि एक बंदा हूँ मैं, सारे काम जो है ना एक बंदा बेचारा नहीं कर सकता। मेरे तो सजा थोड़ी है, ये कौन सी सजा है? इस बेचारी के कान जो है ना वो पक्के हुए हैं, जख्म हो चुके हैं, जैसे वो मास्क का धागा खड़ा रहता है ना, कान ढां देना, ये गिरने वाले हैं कान इसके, क्योंकि सारा दिन मास्क चढ़ाए रहती है ना। चलें कोई नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा, वो ट्यूब आई हुई नहीं, ट्यूब लगाती रहो, जख्म ठीक हो जाएंगे। रोटी पकदी पई है बिया, जेनू डुआंदा पे रोंदा आंदे, उसकी आवाज देना तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक जाती है, तो हमें भी टेंशन होती है। मैं अभी बंद कर रहा हूँ। शाबाश अन्ना मामू ने हाथ मुंह धो लिया। ता इदो वला खड़ी है, कहनी खड़ी है उन्हें शेरिया वो वीडियो चा किदे वला खड़ी है। बस बस मामू बस। माशाल्लाह जी, ये शीट जो है ना आपकी भाभी कल ले आई थी, कल ले आई थी जी, आए कल ले आई थी, वो छुरी इधर पड़ी है, से छुरी दे दे ऐसे जो ना निकलेगी।
एक मिनट अभी बोला एक इधर पड़ी है। आज जो है ना हम यहीं नीचे बैठ के खाना खाएंगे शाम का। माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी जान वापस आ गई है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं गुलेंदा रह गया था को जितना गुलेंदा रह गया उड़े फिर रहे हूं घर में कि मतलब वाला ही होवे। मैं तो भी सूर्य लगा दिया। तबीयत की में है ठीक है रे साथ सानी में अल्लाह ताला सियात कामिल अता फरमावे। चलें जी इसको जो है ना बिछाते हैं इसी तरह सीधी है तो नीचे बैठ के सुन्नत तरीका भी है और इसे जो है ना सवाब भी मिलता है। हाँ जी इस तरह ये तो बहुत बड़ी है वो जग उस साइड पे कर दो अबू जान का अभी भी उस तरफ करो। हाँ ठीक है ये देखें जी ये है भी बहुत बड़ी माशाल्लाह। तो यहीं पे बैठ के हम आज शाम का खाना खाएंगे। अन्ना बेचारी का पाँव आज बच गया है ये जो है ना गर्म थी काफ़ी सारी अन्नम को अन्नम को पता नहीं चला अन्नम का पाँव ऊपर गया तो झटका लगा अन्नम को है मामू चले शुक्र है बच गया पाँव गीला था ना इसीलिए जला नहीं। मामू ये उंगली मुंह में ना डाला मीठे मामू। चलें जी रोटियां बस थोड़ी सी रह गई हैं अम्मी ये टायर सब रखो चाचा ने से मैं तेरे को चबर रोटी लग गई है। हां दस्तरखान भी ले आओ दस्तरखान ये ले जी ये लेट ना मत खाने गंदा बच्चा ये दस्तरखान की जरूरत है। हां छबियां जो रखसू और छबियां वाले अच्छा चलो तेरी मर्जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मगरिब की अजानें भी हो रही हैं और क्या ख्याल है बाद में अच्छा डालो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम प्लेटों में डाल रही है सालन आपकी भाभी और अम्मी जान नमाज अदा कर रही है मगरिब की। अन्नम उधर बैठी है भूख लगी बैठी है मामू है नम ये शर्मा आ जाती है तो सता मैं वो खा के ना रोटी वाला नमाज अदा करा चा ताजी ताजी खा के चलो देखते हैं ये लो बाबा। आ जाए प्यारे बहन भी और खाना जो है ना तैयार हो के हमारे आगे आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अन्नम का जो है ना मुंह पका हुआ है छाल निकले हुए हैं इसने एक लुकमा लिया तो रोने लगी फिर पानी पिलाना पड़ा इसे। तो बैंगन का सालन तैयार है और तंदूरी रोटी तैयार है अबू जान ने तो खा ली और हम जो है ना खाने लगे हैं। जिस बहन भाई ने आना है तो मोस्ट वेलकम आ सकते हैं इकट्ठे मिलके खा लेंगे। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि खुश रहें और दुआ करते हैं कि हमारे देखने वाले भी खुश रहें लेकिन कुछ मसाइल बने हुए हैं जैसा कि आपको पता है अहमद भाई और उनके मामला जो चल रहे हैं तो उस वजह से कुछ परेशान हैं। अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे सबको खुशियाँ अता फरमाए। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त हमें रखना है धूम याद फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।